बलून है ये, आई डोंट नो क्या हो गया है मेरे पास, ये एक पंप भी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा उसको फुलाने की तरह। पीछे का भी लोकेशन बहुत अच्छा है ऊपर, और ये सब भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान, टेबल। अब इस टेबल को डेकोरेट करने सोनाली भी आने वाली है, तो सोनाली से फुलवाएंगे दूसरे वाले बैलून। सो मैं ये पौधे लगा रही हूँ, शायद अभी तक नहीं। चलो सोनाली आप लॉक करो, और आगे मानोगे क्या किया करेगा, खुद ही करो। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, थोड़ा सा धीरे बोलूँगी क्योंकि आज है साहिल का बर्थडे, आज है 26th of October। यार देखते हैं क्या होता है, साहिल अभी गए नहाने और मैं उनके लिए उनकी फेवरेट सैंडविच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाय गाइस, मैं नहा चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 4, और मैंने सोचा थोड़ा सा अब डेकोरेशन स्टार्ट की जाए। सोनाली गई है अपने घर पे भाई दूज करने और मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ, और हमारे साथ कोई और भी आया है। ये देखिए, ये हमारी प्यारी सी विद्या, शायद से आप लोगों को याद होगा करवा चौथ पे मेहंदी लगाई थी जिन्होंने इतनी सुंदर सी, कि वही बुलाया हम तो चले आए। बोलता है कि हम जाएंगे मे बी शायद टेरेस पे जाके थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, वहाँ पे एक झूला लगा हुआ है। सो विद्या अपने काम पे लगी हुई है, फुला रही है, और ये वाले जो बलून है ये आई डोंट नो क्या हो गया है मेरे पास, ये एक पंप भी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इसको फुलाने की कोशिश कर रही हूँ पर बिल्कुल भी नहीं फूल रहा है। अब पता नहीं, इतने सारे बलून्स मुझे लगाने तो थे पर अब क्या कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या होता है, शायद से सोनाली को आते हैं फुलाने जब वो अच्छे लग रहे हैं। सो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दिवाली पे लाइट्स लगाई थी वो निकालेंगे और उसको हम ऊपर झूले पे डेकोरेट करेंगे। सो अब हम सब लोग चलते हैं छत पे और देखते हैं कि हमारी मैम क्या कर रही हैं। मैम क्या कर रहे हो? साफ सफाई तैयारी क्या कर रही है? सरप्राइज के लिए जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। हमने छत का इसीलिए प्लान किया है ताकि उनको पता ही ना चले कि हमने कुछ डेकोरेशन की है, और मैं ऑलरेडी केक ऑर्डर कर चुकी हूँ। केक बहुत ब्यूटीफुल सा है, 7 बजे करेक्ट आ जाएगा। तो जब वो आएगा और ये पूरा डेकोरेटेड होगा तो ये हमारा झूला है देख सकते हैं आप लोग, वो उधर रखा हुआ है उसको यहाँ लगाएंगे, और साफ सफाई करते हैं। बस नीचे ना करने का यही रीजन है क्योंकि सर का आना जाना लगा रहेगा, तो यहाँ पे उन्हें सरप्राइज मिलेगा, वो देखेंगे अचानक से तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, होने लगी हमारी फिर से सफाई। झूला बहुत गंदा था, बहुत डस्ट खाया हुआ था, तो मैं प्यार का नतीजा ही होता है। हाँ, मेहनत भी करनी होती है। बिल्कुल, सो हमने ये लाइट्स भी यहाँ पे लगा दी है, दिवाली वाली जो उतारी थी हमने, और थोड़ी मेरे पास ब्लू वाली भी रखी है, उसको भी हम इसके पोल पे बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो अभी तो वैसे उजाला है तो इसलिए लाइटिंग पता नहीं चल रही है, जब जैसे ही थोड़ा अंधेरा हो जाएगा 6:30 के बाद तो और अच्छे से दिखेगा, सब दिखेगा। हमारे बलून्स आ चुके हैं ऊपर
और ये सब भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान, टेबल। अब इस टेबल को डेकोरेट करना है और सारी चीज़ें लगानी है ना। चलो सो गाइज, हमने ये डेकोरेशन की है अभी तक, छोटी सी डेकोरेशन है बट बहुत प्यारी लग रही है। और देखते हैं इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, सोनाली भी आने वाली है तो सोनाली से फुलवाएंगे दूसरे वाले बैलून और उसको हम पूरे इस पोल पे और टेबल के यहाँ पे अच्छे से लगाते हैं। क्या करो सोनाली आप, खेलना नहीं है, डेकोरेट करना है। तो ये हो रही है जो साहिल जी हैं साहिब, उनकी बर्थडे की तैयारी। yes. हम अभी खरीद के लाए हैं ये सब। हाँ, क्योंकि हमारा खराब रखा था। चलो, उनको पता नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं, तुमको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। yes. मजा आएगा। तो मैं ये पौधे लगा रही हूँ, साहिल अभी तक नहीं आए हैं और ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन और ऐड ऑन की है और थोड़ा सा रह रहा है, उसके बाद मैं रेडी होंगी। सोनाली नीचे है और जब तक वो रेडी होंगी उसके बाद में हम लोग सेलिब्रेशन शुरू करेंगे। ये हेलो एवरीवन, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और महिमा भी रेडी हो रही है, क्योंकि अभी महिमा छत पे थी जो तैयारियाँ कर रही थी और मैं सोचा मैं रेडी हो जाऊँ, मैं आपको महिमा से मिलवाती हूँ। ऑलमोस्ट रेडी होना स्टार्ट कर दिया मैंने, सो मे बी मैक्सिमम मुझे 20 मिनट्स लगेंगे, उसके बाद मैं सरप्राइज रेडी शुरू कर दूँगा। सो गाइस, ये हमने तैयारी करी है, हैप्पी 29th बर्थडे। और साहिल नीचे आ चुके हैं। हाँ। और वो रेडी हो चुके हैं, उनको हमने ये बोला कि हम कुछ सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं छत पे जाके, और ये भी बोला स्पेशली कि ओडोमोस लगा के आना छत पे, ये तो मच्छर उधेर देंगे। Thank you for watching this vlog. I hope you enjoyed it. और इसका next part आने वाला है कल, so stay tuned.